the topic we are going to talk next is socially responsible public acts individuals with mental health problems are often victims of discrimination or have insufficient access to uh, disparately needed services people with a psychiatric history particularly if they were ever hospitalized are still met with fear mistrust stereotyping avoidance neglect and these are the things which limits their opportunities सो बेसिकली वंस यू हैव बीन पार्ट ऑफ एनी ऑफ सच एक्सपीरियंस तो उस एक्सपीरियंस से निकलना जो है वो इतना आसान नहीं होता वंस अ पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ फीलिंग ऑफ मिस्ट्रस मे बी फीलिंग ऑफ फियर तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के अवॉइडेंस बिहेवियर पैदा हो जाते हैं जिससे निकलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता और इन बेसिस के ऊपर लोग आपको ईजिली डिस्क्रिमिनेट करते हैं एडवोकेटिंग फॉर दोस्ट विद मेंटल हेल्थ इश्यूज

जो क्रिमिनल्स के साथ काम करते हैं उनकी साइकी को डील करते हैं वो बेसिकली उनके प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और वो मे बी उनकी तरफ उस तरह हेटवेड की फीलिंग नहीं रखते जिस तरह एक जनरल पब्लिक रखती है इसी तरह वो इंडिविजुअल्स तो किसी भी बुरे हादसे का शिकार हो जाते हैं मे दे आर बर्न विक्टम्स मे मे दे आर द रेप विक्टम्स या उनके साथ कोई भी ऐसा मिसहैप हो जाता है और उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जब डील कर रहे होते हैं तो वो उनकी फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग्स ज्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कि एक ले मैन से कोई उनको देखे और वो उनकी तरफ बहुत एवरेज सी फीलिंग्स रखे या वो शायद उनके साथ एम्पथाइज ना कर सके हेल्पिंग प्रोफेशनल्स आर द मोस्ट मोस्टिटेट पोजिशन टू रिप्लेस मिस इन्फॉर्मेशन विद यूजफुल एंड सॉलिड डेटा इंक्लूडिंग कन्फर्मिंग द इन एक्यूरेट स्टीरियोटाइप्स अब ये साइकोलॉजिस्ट का रोल यहाँ बहुत अहम है उन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का रोल बहुत अहम है जो इस तरह की स्पेशल लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं जो किसी भी तरह के विक्टम्स रहे होते हैं जो किसी भी तरह के बुरे इंसिडेंट से गुजरे होते हैं कि वो उनकी फीलिंग्स को उनके ट्रामा को दूसरे लोगों के सामने बेहतर तरीके के साथ बयान कर सकें और उनके लिए एक बेहतर लिविंग जो है वो क्रिएट कर सकें लाइक एक इंडिविजुअल जो अपने मूड डिसऑर्डर की वजह से अपने इमोशनल क्राइसिस की वजह से मे बी ही वंस और ट्वाइस ट्राई टू डू सुसाइड तो सुसाइड अटैम्प्ट के बाद फैमिली की तरफ से सोसाइटी की तरफ से उसको स्टिगमेटाइज किया जाने लगता है कि इसको तो कुछ भी कहा तो इसने तो मर जाना है इसने तो हर चीज़ के ऊपर जो है वो सुसाइड कमिट कर लेनी है तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोवर्ड है बुजदल इंसान है अब उसके विदिन क्या इमोशनल क्राइसिस चल रहा है उसको शायद एट टाइम्स फैमिली पेरेंट्स सिबलिंग्स या सोसाइटी नहीं समझ सकती उसकी उन फीलिंग्स को समझने के लिए उसके उस इमोशनल डिस्ट्रेस को समझने के लिए जो रोल एक साइकोथेरेपिस्ट प्ले कर सकता है और वो दूसरे लोगों को पब्लिकली मीडिया पेरियंट्स पे उनकी फीलिंग्स उनके क्राइसिस के बारे में बता सकता है वो काम और कोई भी इतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकता दीज इंक्लूड्स विद पब्लिक एजुकेशन मॉनिटरिंग नेगेटिव पोर्टल ऑफ मेंटली एंड इमोशनली डिसेबल्ड एंड एडवोकेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज अब ये जो प्रोफेशनल्स हैं वो एजुकेशन में अपना रोल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को इनके इमोशंस के बारे में पता चल सके वो डिफरेंट uh, तरह का जो नेगेटिव पोट इन लोगों के ख़िलाफ़ बना हुआ होता है कि ये रिबेल हैं ये सोसाइटी के अगेंस्ट हैं और उनकी फीलिंग्स को लोग नहीं समझ रहे होते वो वहाँ पर एक कंसॉलिटेशन का रोल प्ले कर सकते हैं और इसके अलावा वो उनको एक्सेस दिलवा सकते हैं डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ जो कि कम्यूनिटी में अवेलेबल होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए पब्लिक डिस्कलोजर एट द रिस्क ऑफ वन सेल्फ डिफिकल्टाइज फॉर मेंटल हेल्थ प्रोफेस वन दे ऑब्जर्व एन अनलॉफुल इमोरल और इनजिटमेट एक्ट बट लैक कैपेसिटीन ऑन देअर ओन एट टाइम्स हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बैड हैपनिंग हो रही होती हैं वी गेट टू नो किसी घर में किसी सर्वेंट के ऊपर अब्यूज हो रहा है या कहीं पर किसी को चेंट करके रखा हुआ है या किसी के साथ फैमिली के अंदर जो है वो पेरेंट्स किसी बच्चे के साथ जो है वो उसको एब्यूज़ कर रहे हैं आ, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे या कहीं पर किसी स्कूल में बच्चों को बुली किया जा रहा है एंटीसिपेटेड रिग्रेट ऑफ कीपिंग साइलेंट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट ड्यूरिंग द डिसीजन टू स्पीक आउट और टर्न असाइड एट टाइम्स दिस सिचुएशन वैन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बिकम्स वेरी ट्रीवियर दैट आई डो टू स्टे साइलेंट और आई डोट टू स्पीक अप बिकॉज इन सम सिचुएशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंटरवीन करना तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आ, अपने आप को बाजूआत रिस्क में भी डालना पड़ता है एंड इंटरवीन करना पड़ता है ताकि आप किसी के आ, जो स्टेक्स हैं उसको बचा सकें तो ओवरऑल स्पिरिट ऑफ एथिकल कोड्स प्रोफेशनल प्रोफेसनल ऑर्गेनाइजेशल्ड अ पैरामाउंट मेंटेनिंग द वेलबींग ऑफ द कंज्यूमर्स एंड मेकिंग पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन कंडीशन सो बेसिकली ए ए के जितने भी कोड ऑफ एथिक्स हैं उनका पर्पज टू फोल्ड है कि वो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनकी जनरल पॉपुलेशन है जो ह्यूमैनिटी है उसकी वेलबींग well को भी कंसिडर करती है और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसकी वेलबींग well को भी अंडर कंसिडरेशन अपने स्टेक पर रखती है